लोग सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं, वो है आईटी सेक्टर। तो यहाँ पर जयंत जानी हमारे नियमित दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आईटी सेक्टर को लेकर के आपका नजरिया क्या है। अभी नतीजे आने वाले ही हैं और आज भी हमने जिस तरह से देखा बहुत भारी पिटाई हुई है, टीसीएस जैसा दिग्गज शेयर 3% आज टूटा हुआ है, और शायद तकनीकी रूप से भी लग रहा है कि कहीं पर ये जो पूरा सेक्टर है वो कमजोरी की तरफ कहीं बढ़ न जाए, ये आशंका पैदा हो रही है। आपका कहना क्या है, क्या ये बढ़िया वैल्यूएशंस हैं जहां पर खरीदारी शुरू करनी चाहिए, या अभी कमजोरी बनी रहेगी इसलिए इंतजार करना चाहिए? जी, बुनियादी तौर पर अगर मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे मैं काम करता हूँ, और मान लीजिए कि कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं है या फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा उस डिसीजन को, उस आईटी स्पेंड को, उस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ोतरी को हम थोड़ा सा मुलतवी कर देते हैं, यार इसको 6 महीने बाद देखेंगे। तो शायद ऐसा ही हो रहा है। जो भी आईटी स्पेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी होते हैं। ऐसा नहीं है कंपनी काम नहीं कर रही, मगर वो ऑटोमेट करने लगती है जब, तो उनको खर्चा लगता है और वो खर्चा रोकने की कोशिश की जा रही है। तो जो हमारी आईटी कंपनीज करती थी, बहुत सारा उनका जो जो डिपेंडेंस है, आई थिंक 60-70% डिपेंडेंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से आता है, वो यूएस से आता है, वो यूरोपियन कंट्रीज से आता है, तो वहां पर समस्याएं चल रही हैं। निश्चित रूप से इतनी इन्फ्लेशन है तो लोग अपनी वेज हाइक मांग रहे हैं। कंपनीज की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्केची हो गई। हमने देखा टेस्ला जैसा शेयर लगभग एक तिहाई रह गया, तो टेस्ला को मैं एक टेक कंपनी मानता हूँ, नैसडैक में लिस्टेड है। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो मेटा हो जो पहले फेसबुक हुआ करता था, तो सारे नैसडैक में हाहाकार मचा हुआ है। और इवन कंपनीज लाइक अमेजोन जो बहुत अच्छा कर रही हैं, आज भी अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर रही, मगर उसके उसमें जो वैल्यूएशंस थी वो काफी हद तक रियलिस्टिक वैल्यूएशंस की तरफ आ रही हैं। तो मुझे लगता है 6 महीना और तब उसके बाद आईटी में नई एंट्री की जा सकती है। अब उन निवेशकों का क्या जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं, मैं कहूंगा कि उनको एवरेज करने का अच्छा मौका है। जितनी भी दिग्गज टॉप कंपनीज हैं उनमें एवरेज करने का मौका मिलेगा, मगर अभी मुझे लगता है बजट चला जाए और 2-3 महीने के इंतजार के बाद दिग्गज आईटी कंपनीज में बाइंग शुरू करनी चाहिए, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगी। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो साल का 20-30% भी रिटर्न दे। जी,